गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर थर्ड में आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त उपक्रम के बारे में। उपक्रम कई प्रकार के होते हैं, निजी उपक्रम, सरकारी उपक्रम, वैश्विक उपक्रम। जब कोई उपक्रम दूसरे उपक्रम से लाभ के लिए हाथ मिला लेता है तो ये संयुक्त उपक्रम बन जाता है। अब देखिए, संयुक्त उपक्रम कहते किसे हैं? जब दो इकाइयां समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए एक जगह आना निश्चित करती हैं तो यह संयुक्त उपक्रम कहलाता है। जब दो इकाइयां समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं तो यह संयुक्त उपक्रम कहलाता है। व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ मिला लेना। दोनों इकाइयों के जो संसाधन है वो एक साथ मिले, दोनों इकाइयों के जो विशेषज्ञता है, स्पेशलिटी है, वो एक साथ आए तो ये संयुक्त उपक्रम बन जाता है। व्यवसाय के जोखिम और प्रतिफल को भी परस्पर बांट लिया जाता है। दो या तीन व्यावसायिक इकाइयां जब एक जगह एकत्रित होती हैं, परस्पर लाभ के लिए, समान उद्देश्य के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो व्यवसाय में जो भी जोखिम होता है या जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है, प्रतिफल और जोखिम को भी आपस में बांट लिया जाता है। अब देखिए, संयुक्त उपक्रमों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर वन, संविदात्मक। संयुक्त उपक्रम संविदात्मक संयुक्त उपक्रम संविदात्मक संयुक्त उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता। यहाँ केवल साथ साथ कार्य करने का एक समझौता होता है। तो देखिए, संविदात्मक संयुक्त उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता है। दो इकाइयाँ पहले हों और तीसरी इकाई का निर्माण कर लें, यहाँ ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि यहां केवल साथ साथ कार्य करने का समझौता होता है। एक साथ मिलकर, दो इकाइयां एक साथ मिलकर कार्य करने का आपस में समझौता करती हैं तो इसे संविदात्मक उपक्रम कहते हैं। वे व्यवसाय में स्वामित्व नहीं बांटते बल्कि संयुक्त उपक्रम में नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं। यहाँ स्वामित्व नहीं बांटा जाता है बल्कि नियंत्रण के तत्वों का उपयोग किया जाता है, नियंत्रण को बांटा जाता है। फ्रेंचाइजी संबंध संविदात्मक संयुक्त उपक्रम का एक प्रारंभिक उदाहरण है। फ्रेंचाइजी क्या होती है, कभी नाम सुना है? विदेश की जो कंपनियां होती हैं, विदेश की कंपनियों को भारत के व्यक्ति द्वारा भारत में संचालित करना, अब देखिए, ऐसे संबंध में मुख्य तत्व क्या क्या हैं?
दो अथवा अधिक पक्षों का एक सामान्य स्टार्ट होता है। व्यवसाय उपक्रम को चलाना, दोनों उपक्रमों का एक सामान्य उद्देश्य होता है व्यावसायिक उपक्रम को चलाना। प्रत्येक पक्ष कुछ निर्विष्टियां लाता है, प्रत्येक पक्ष अपने कुछ जो दायित्व हैं उन दायित्वों को पूरा करता है। दोनों पक्ष व्यवसाय उपक्रम पर कुछ नियंत्रण रखते हैं, दोनों ही पक्ष व्यावसायिक क्रियाओं पर कुछ नियंत्रण स्थापित करते हैं, दोनों ही पक्षों को नियंत्रण करने का कुछ अधिकार होता है। यह लेन देन से लेन देन का संबंध नहीं है बल्कि तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। दूसरा देखिए, समता आधारित संयुक्त उपक्रम। समता आधारित संयुक्त उपक्रम समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह है जिसमें एक अलग व्यवसाय की इकाई जिसमें दो अथवा अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व हो का निर्माण पक्षों के बीच समझौते से होता है। दोबारा फिर से देखिए, समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह है जिसमें एक अलग व्यवसाय की इकाई जिसमें दो अथवा अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व हो, एक अलग व्यवसाय की इकाई जो दो पक्षों के संयुक्त स्वामित्व में हो का निर्माण पक्षों के बीच समझौते से होता है। व्यवसाय की इकाई का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, ये व्यवसाय की इकाई कंपनी के रूप में हो सकती है, साझेदारी फर्म के रूप में हो सकती है, ट्रस्ट, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म आदि के रूप में यह व्यावसायिक इकाई हो सकती है। अब क्या तत्व है इसके, देखिए, नंबर वन, यहां या तो एक नई इकाई बनाने का अथवा वर्तमान इकाई में किसी एक पक्ष द्वारा स्वामित्व ग्रहण करने का समझौता किया जाता है, या तो दो इकाइयों द्वारा कोई नई इकाई का निर्माण करने या फिर वर्तमान इकाई में किसी एक पक्ष द्वारा स्वामित्व करने का समझौता किया जाता है। संबंध पक्षों द्वारा सहभाजिता स्वामित्व, जो भी पक्ष जुड़े हुए हैं सहभाजिता यानी मिलकर उसका स्वामित्व कर सकते हैं। संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का सहभाजिता प्रबंधन, दोनों या तीनों पक्ष मिलकर जितने भी पक्ष हैं सहभाजिता प्रबंधन सब मिलकर उसका प्रबंध कर सकते हैं। पूंजी निवेश तथा अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में सहभाजिता उत्तरदायित्व, पूंजी का निवेश करने और वित्तीय व्यवस्था करने के बारे में सहभाजिता उत्तरदायित्व, सब मिलकर सभी पक्ष मिलकर अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। समझौते के अनुसार सहभाजिता लाभ और हानि, जैसा भी समझौता होता है उसके अनुसार दोनों तीनों पक्ष जितने भी पक्ष हैं मिलकर लाभ और हानि को बराबर मात्रा में बांटने का समझौता करते हैं। एक संयुक्त उपक्रम अनिवार्यतः एक ऐसे समझौता पत्र पर आधारित होता है जिससे संयुक्त उपक्रम समझौतों के आधारों को उजागर करते हुए दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। जो भी समझौता होता है दोनों पक्ष मिलकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं अपने अपने, बाद में किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचने हेतु समझौते की शर्तों की पूर्णतया चर्चा तथा मोल तोल कर लेना चाहिए।
बाद में कोई कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न ना हो, मतभेद होने की स्थिति में जो व्यवसाय जोड़ा गया है वो टूट भी सकता है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए जो भी शर्तें रखी गई हैं उनको ध्यान से देख लेना चाहिए, उनको तोल मोल कर लेना चाहिए। तोल मोल का मतलब ध्यान से उनको देख लेना चाहिए। समझौता तथा शर्तें दोनों पक्षों की सांस्कृतिक तथा कानूनी पृष्ठभूमि के अनुसार ही होनी चाहिए। जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जैसा उस देश में कानून है, उसके अनुसार ही समझौते की शर्तें होनी चाहिए। संयुक्त उपक्रम समझौते में यह अवश्य उल्लेखित होना चाहिए कि एक विशिष्ट अवधि में सभी आवश्यक सरकारी अनुमोदन तथा लाइसेंस प्राप्त कर ली जाएगी। उसमें समझौते में यह जरूर लिखा जाना चाहिए कि एक निश्चित अवधि में, जो भी निश्चित अवधि दोनों पक्षों के बीच में तय हुई है, उस निश्चित अवधि में सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन, सरकार की स्वीकृति और लाइसेंस प्राप्त कर लिया जाएगा। तो स्वीकृति का और लाइसेंस प्राप्त करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं संयुक्त उपक्रम के, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।